Kids, how are you all? I hope you all are staying at home and keeping yourself and your family safe. So, last time under the topic waste management, we read about the waste and we got to know that anything which is unworthy, undesirable, or is of no use to us, we count it as waste. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे किसी काम के लायक नहीं है या जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम वेस्ट मटेरियल में काउंट करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है उसको भी हम वेस्ट में काउंट करते हैं। और हमने ये भी जाना कि हर रोज़ हम टन्स में के हिसाब से वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ये जो वेस्ट है ये हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हैज़र्डस है, नुकसान पहुंचाता है और बहुत सारे डिजीज़ भी कॉज करता है, लाइक डिजेंट्री, टाइफॉइड, कॉलेरा, प्लेग एट्सेट्रा, एज इट बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज एंड जर्म्स। टुडे वी विल नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। So basically there are two main type of waste material. First is biodegradable waste, second is non-biodegradable waste. So agar aap naam ko dhyan se dekhenge, biodegradable waste mein bio degrade then able, वो चीज़ें जो biologically अपने आप degrade हो जाती हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और सेकेंड टाइप के वेस्ट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन मतलब नहीं, वो चीज़ें जो अपने आप डिग्रेड हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होती हैं उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बेटा आता है जैसे ड्राई लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एग शेल्स, पेपर्स एंड लेफ्ट ओवर फूड आइटम। आपके किचन का जो मैक्सिमम वेस्ट होता है अदर देन द प्लास्टिक पैकेट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, किचन का जो मैक्सिमम वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होगा जो आप उसे अगर डंप कर देंगे, पिट बना करके उसको फेंक देंगे, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, तो वो जो है हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब आप पिट बना करके उसको सॉइल से कवर करते हैं, जो हार्मलेस सब्सटेंस वहाँ पे बनता है उस हार्मलेस सब्सटेंस का नाम है कंपोस्ट। एंड ये सिर्फ हार्मलेस ही नहीं है, इट इज़ रादर वेरी बेनिफिशियल एज इट इज़ यूज्ड एज manure, and it not only provides us manure for our kitchen garden or for our farms, it also reduces the amount of garbage produced in our home. हमारे घर में जो garbage का amount होगा उसको भी ये बहुत कम कर देता है। आप चाहें तो अपने घर पर भी ये चीज़ try कर सकते हैं। अगर आपके घर पे गार्डन वगैरह है, आपने एक छोटी सी पिट डिग करनी है, उस पिट में आपने अपने किचन का जो लेफ्ट ओवर फूड आइटम होते हैं, या एग शेल्स है, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स है, या आप जब स्ट्रीट अपने गार्डन की सफाई करते हैं तो वहाँ पे जो ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं वो सब आप उस पिट में डालिए, एंड आप देखेंगे विद इन 2 वीक्स जो है वो जो आपने वहाँ पे डंप किया होगा ऑर्गेनिक मटेरियल वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। मोरोवर एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट होता है इसको बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, एंड फॉर दिस बहुत सारी जगहों में बायोगैस प्लांट्स बनाए जाते हैं। नाउ जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट इज़ कवर्ड विद सॉइल इन रूरल एरिया, लेकिन इससे क्या होता है कि पहले टॉयलेट्स नहीं होते थे रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे लोग जनरली फार्म्स में जाते थे या दूसरी जगहों पे बाहर ओपन में नेचर कॉल अटेंड करते थे,
एट दैट टाइम वो एनिमल और ह्यूमन वेस्ट को सॉइल से कवर कर देते थे, विच ऑटोमेटिकली बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स, फ्लाइज एंड मस्कीटो यूज टू विजिट इट, एंड लेटर ऑन दे स्टार्ट स्प्रेडिंग डिजीजेज ऑल्सो. तो वो काफ़ी हार्मफुल वे था. जबकि सिटीज में जो टॉयलेट वेस्ट होता है बेटा, उसको ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है और फिर उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेस किया जाता है. जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे मेन्योर बनती है, और जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको सेपरेट करके जो वाटर है वो आप देखेंगे गार्डन वगैरह के जो इरिगेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं. आप कई जगह जाएंगे, अगर आप किसी सिटी एरिया में भी जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन होता है कि इरिगेशन के लिए या स्प्रिंकलर वगैरह में जो वाटर है दैट इज़ नॉट ड्रिंकेबल वाटर. वो ड्रिंकेबल वाटर नहीं है. वहाँ पे ड्रिंकेबल वाटर के लिए अलग से स्पेस बना होता है, अलग से आपको प्रोवाइड किया होता है. और बहुत सारी सिटीज़ में ये जो ट्रीटेड वाटर होता है, ट्रीटेड लिक्विड वेस्ट होता है, इससे जो ट्रीटेड वाटर होता है उससे गार्डन्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं. सो नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट. वो वेस्ट जो बायोलॉजिकली हमारे एनवायरनमेंट में अपने आप वो डिग्रेड नहीं होगा. इसके कुछ एग्जांपल है नेल्स, आपके घर पे जो कील हम यूज़ करते हैं वॉल्स पे लगाने के लिए सो दैट वी कैन हैंग समथिंग ऑन इट, पॉलीथीन बैग्स जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वो पॉलीथीन बैग्स जो आपके हाथ में जिनका इन हैंड यूज़ सिर्फ 5 to 10 मिनट से वो 100 ईयर्स तक डिग्रेड नहीं होते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल्स, पिंस, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेस, केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट फॉर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रोड एट्सेट्रा, ऑल दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये हमारे एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड नहीं होते हैं. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस. हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रिड्यूस करने के लिए इसको रिसाइकिल कर सकते हैं. सो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो जो एनवायरनमेंट में अपने आप डिग्रेड हो जाता है और हार्मलेस सब्सटेंस कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है विच लेटर ऑन यूज्ड एज मेन्योर. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपने आप एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होता है. ऑल्दो ये अपने आप हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बट वी कैन recycle the maximum of it. Now a few example of biodegradable waste is paper, vegetable and kitchen waste, and few examples of non-biodegradable waste is plastic, metal and batteries etc. So that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe, stay strong. Bye bye. Take care.